हेलो फ्रेंड्स, ये जस्ट क्रैकेट की सीरीज सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1972 का पार्ट 7। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दीज रूल्स। इसमें हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 6 जो कि स्टडी लीव पर बेस्ड है पूरा, और चैप्टर 7 जिसके अंदर की दो तीन मिसलेनियस टॉपिक्स दिए हैं। लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 6, स्टडी लीव। चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट्स विद रूल नंबर 50 जिसके अंदर कंडीशंस दी हुई है ग्रांट ऑफ स्टडी लीव के लिए। सपोज दिस इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट और इसको स्टडी लीव लेनी है, तो ऑफ कोर्स स्टडी लीव किसी चीज़ की पढ़ाई के लिए ली जाएगी। इसको कोई कोर्स करना है या फिर कोई स्पेशलाइज ट्रेनिंग करनी है। वेदर दिस कोर्स और स्पेशलाइज ट्रेनिंग इज टू बी डन इन प्रोफेशनल या फिर एनी टेक्निकल सब्जेक्ट। किसी भी चीज का कोर्स अगर करना है या फिर स्पेशलाइज ट्रेनिंग करनी है, दैट मस्ट बी क्लोजली रिलेटेड विद द स्फेयर ऑफ ड्यूटी ऑफ दिस गवर्नमेंट सर्वेंट। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, इसको यहां से मार्क कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है, स्टडी लीव के अंदर जो भी कोर्स या फिर स्पेशलाइज ट्रेनिंग होगी वो चाहे तो इनसाइड इंडिया हो सकती है या फिर आउटसाइड इंडिया भी हो सकती है। इसको यहाँ पे मार्क कर सकते हो, देखो इनसाइड या आउटसाइड इंडिया, किसी कोर्स ऑफ स्टडी के लिए या फिर स्पेशलाइज ट्रेनिंग के लिए, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो टेक्निकल सब्जेक्ट हो, बट इट मस्ट हैव अ डायरेक्ट एंड क्लोज कनेक्शन विद द स्फीयर ऑफ हिज ड्यूटी। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट रूल नंबर 50 का, कि और किन किन कंडीशंस के अंदर स्टडी लीव को ग्रांट किया जा सकता है। अब इसके अंदर देखो, पहली सिचुएशन ये है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो नॉर्मल एकेडमिक कोर्स नहीं कर रहा है, वो उसके अलावा किसी दूसरे कोर्स को करने की परमिशन ले रहा है। तो एकेडमिक यानी कि वो सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, इट माइट बी रिलेटेड टू सम स्किल्स ऑल्सो, जैसे लीडरशिप डेवलपमेंट या फिर कोई मैनेजमेंट का कोर्स है जो कि प्रॉपरली एकेडमिक नहीं है, सेमी एकेडमिक नहीं है। तो इस तरीके के कोर्सेज करने के लिए भी परमिशन दी जा सकती है। सिर्फ वही बात है इसके अंदर भी कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर होना चाहिए जो कोर्स है, देन इट शुड बी एडवांटेजियस टू गवर्नमेंट ऑल्सो, गवर्नमेंट को एडवांटेज मिलनी चाहिए इससे, यानी गवर्नमेंट के काम करने में वो बेटर स्किलफुल होना चाहिए। एंड देन थर्ड थिंग, इट शुड बी रिलेटेड टू द स्फीयर ऑफ द ड्यूटी, इसकी ड्यूटी से रिलेटेड होना चाहिए। अगर उसको ऑफिशियल वर्क ही लीडरशिप करना है या फिर मैनेजमेंट करना है किसी चीज का, तो ऑफकोर्स वो अपनी इन स्किल्स को बेटर करने के लिए जो कोर्स कर रहा है उसके लिए स्टडी लीव ले सकता है। इसके अलावा देखो, सेकंड सिचुएशन ये है कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो अगर कोई ऐसा कोर्स करता है जिसका कि बैकग्राउंड पब्लिक एडमिन का है, जैसे मास्टर्स इन पब्लिक एडमिन होती है, मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी हो सकती है, तो ये सब जो है पब्लिक एडमिन से रिलेटेड कोर्सेज हैं। और इस तरीके के कोर्सेज के लिए अगर स्टडी लीव लेनी है, देन अगेन इट शुड बी अप्रूव्ड, जो भी स्टडी वो कर रहा है इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और दूसरी चीज कि जब वो कोर्स करके वापस आए तो ही शुड सबमिट अ रिपोर्ट कि उसने भाई स्टडी लीव के अंदर कौन सा काम किया है, और वो उस रिपोर्ट जो है वो अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को वो सबमिट करेगा। नेक्स्ट सिचुएशन है, देखो अभी तक हमने पढ़ा कि स्टडी लीव उन्हीं कोर्सेज के लिए ग्रांट की जाए जो कोर्सेज गवर्नमेंट सर्वेंट की स्फीयर ऑफ ड्यूटी से रिलेटेड हो। लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट अगर अपनी स्फीयर ऑफ ड्यूटीज के बाहर अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाह रहा है, और वो कोर्स जो है वो उससे उसकी एबिलिटीज इंप्रूव होती हैं, उसका माइंड का वाइडनिंग होती है, कैपेबल ऑफ वाइडनिंग हिज माइंड, इंप्रूव हिज एबिलिटीज एंड इक्विप हिम बेटर, अगर वो बेटर तरीके से पब्लिक सर्विस कर पाए उस कोर्स को करने के बाद, तो ये कोर्स भी उसको करने के लिए अलाउ किया जा सकता है ड्यूरिंग स्टडी लीव। बट ये जो थर्ड सिचुएशन है, इसके अंदर अगर कोई केस फॉल कर रहा है, तो देन इट शुड बी कंसिडर ऑन द मेरिट्स कि भाई वो कोर्स है कौन सा, ऐसा कौन सा कोर्स है जो कि स्फीयर ऑफ ड्यूटीज के बाहर है बट इट इज इम्प्रूविंग इट्स हिज अबिलिटीज। तो इसलिए हर एक केस जो होगा जो थर्ड पॉइंट के अंदर लाई करेगा, इट विल बी कंसिडर्ड ऑन द मेरिट्स, एंड देन ऑल्सो इन ईच केस द कंसल्टेशन शुड बी विद द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर मार्क करना है कि किससे कंसल्ट कर इस तरीके के कोर्सेज करने की परमिशन दी जा सकती है। तो देन द आंसर इज नॉट डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, द आंसर इज डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, अब पॉइंट नंबर 3 के अंदर कुछ उन्होंने समराइज किया है कि स्टडी लीव को ग्रांट करने की जनरल कंडीशंस क्या हैं। पहली चीज तो यह कि जो वो कोर्स करना चाह रहा है गवर्नमेंट सर्वेंट, इट शुड बी सर्टिफाइड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कि वो जो कोर्स है इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट, उससे गवर्नमेंट का भी फायदा होगा। एंड देन इट मस्ट नॉट बी
प्योरली एकेडमिक, यानी कि जैसे इंग्लिश लिटरेचर हो गई, किसी ने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर अगर मास्टर्स या फिर कोई बैचलर्स डिग्री की है तो ऑफकोर्स वो जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट को कुछ बेटर करने में हेल्प नहीं करेगी गवर्नमेंट को। तो प्योरली एकेडमिक या प्योरली लिटरेरी सब्जेक्ट्स से अलावा किसी सब्जेक्ट के लिए स्टडी लीव ग्रांट होती है। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हु इज ग्रांटिंग लीव, कि अगर एकेडमिक सब्जेक्ट प्योरली लिटरेरी सब्जेक्ट भी अगर उस गवर्नमेंट सर्वेंट की स्फेयर ऑफ ड्यूटी से रिलेटेड है, देन अगेन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैन अप्रूव इट। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। नाउ द गवर्नमेंट सर्वेंट बिलोंग्स टू इंडियन इकोनॉमिक सर्विस या फिर इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस। तो इन दोनों के केस के अंदर, अभी आगे और भी आएगा वैसे तो मेडिकल ऑफिसर्स के केस में भी आएगा, बट फिलहाल इन तीन पॉइंट्स के अंदर इन्होंने ये दो सर्विस की बात की है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस। अगर इनका कोई गवर्नमेंट ऑफिसर ही वॉन्ट्स टू परस्यू पीएचडी, तो भाई देखो पीएचडी करने के लिए एक तो रिसर्च का जो सब्जेक्ट है वो डिसाइड करना होता है, एंड देन ऑफकोर्स द इंस्टीट्यूट कि कहां से पीएचडी करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट तो उन्होंने ये बताया है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट इंडियन इकोनॉमिक सर्विस या फिर इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस को बिलोंग करते हैं वो पीएचडी करने के लिए भी स्टडी लीव ले सकते हैं, बट उसके अंदर कंडीशन ये है कि जो रिसर्च का सब्जेक्ट है और जो इंस्टीट्यूट है जहां से पीएचडी करनी है, बोथ दिस थिंग्स फॉर बोथ दीज सर्विसेज शुड बी अप्रूव्ड बाय, अगर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की बात कर रहे हैं तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर शुड अप्रूव दिस रिसर्च सब्जेक्ट एंड इंस्टीट्यूट, एंड इन केस ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस तो डायरेक्टर ऑफ CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसको मैं यहां पे मार्क कर रही हूं, द सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशन शुड बी अप्रूव्ड बाय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अगर हम इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की बात कर रहे हैं, एंड बाय डायरेक्टर ऑफ CSO अगर हम इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस की बात कर रहे हैं। देन अगेन बोथ दीज अथॉरिटीज शुड प्रोवाइड अ सर्टिफिकेट। क्या होगा उस सर्टिफिकेट में कि इस रिसर्च को करके या फिर इस पीएचडी को इस इंस्टीट्यूट से करके जो एफिशिएंसी है गवर्नमेंट सर्वेंट की, दैट विल इंक्रीज। तो दिस गवर्नमेंट सर्वेंट विल हैव टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम दीज अथॉरिटीज। एंड अगेन ऐसा भी हो सकता है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो पीएचडी किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से करना चाह रहा हो, तो इन दैट केस इनको एक चीज और सर्टिफाई करनी पड़ेगी कि भाई ये जो फैसिलिटी है पीएचडी की, ये जो रिसर्च सब्जेक्ट उन्होंने चूज किया पीएचडी के लिए, इसके अंदर रिसर्च की फैसिलिटी इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो नॉट अवेलेबल इन इंडिया। अगर ऐसा केस है तो इसके लिए भी गवर्नमेंट सर्वेंट को एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा इन्हीं अथॉरिटीज से, ये सर्टिफाई करते हुए कि यस दीज फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल इन इंडिया। नाउ वी कैन मार्क हियर, एक सर्टिफिकेट लेना है कि इंक्रीज होगी एफिशिएंसी, ठीक है, इंक्रीजिंग इन एफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज एज अ मेंबर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस। देन अगेन इन केसेस वेयर स्टडी इज टू बी अंडरटेकन एट फॉरेन यूनिवर्सिटी, तो एप्लीकेंट को ऑब्टेन करना पड़ेगा एक फर्दर सर्टिफिकेट कि दीज फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल इन एनी यूनिवर्सिटी और एनी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट गवर्नमेंट सर्वेंट है, ही इज अ मेडिकल ऑफिसर एंड ही विशेस टू परस्यू पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज इन मेडिकल साइंसेज, ऑफ कोर्स मेडिकल ऑफिसर है तो मेडिकल साइंसेज में तो करेगा। तो भाई ये जो मेडिकल ऑफिसर है ही विल गेट द अप्रूवल फ्रॉम डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज हु विल सर्टिफाई द सेम थिंग कि भाई हाँ इस पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी को करने के बाद जो एफिशिएंसी है इस गवर्नमेंट सर्वेंट की, दैट विल गेट इंक्रीज्ड। देन नेक्स्ट पॉइंट, अब ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट है ही सम स्पेशलिस्ट या फिर कोई टेक्निकल पर्सन है, सपोज कंप्यूटर्स की लाइन का टेक्निकल पर्सन है, एंड ही विशेस टू परस्यू पोस्ट ग्रेजुएशन, तो इन दैट केस एचओडी या फिर सेक्रेटरी टू मिनिस्ट्री विल बी कॉम्पिटेंट टू सर्टिफाई कि हाँ ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी करने से इनकी जो टेक्निकल फील्ड है वो बेटर हो जाएगी, वो ही विल बी मोर अवेयर ऑफ द मॉडर्न डेवलपमेंट्स जो भी इनके टेक्निकल फील्ड के अंदर हो गए। सपोज बीटेक का कोई बंदा है ये गवर्नमेंट सर्वेंट, एंड नाउ ही विशेस टू परस्यू एमटेक, ठीक है, और उसका काम भी स्फीयर ऑफ ड्यूटीज भी बीटेक से रिलेटेड है, तो अब वो एमटेक करना चाह रहे हैं, तो ऑफकोर्स
भाई जो भी मॉडर्न डेवलपमेंट कोई भी नेक्स्ट लैंग्वेज आई होगी कंप्यूटर्स के अंदर, तो वो सीख पाए, इसके लिए वो पीजी कर रहा है, तो देन इन दैट केस एचओडी या फिर सेक्रेटरी कैन अलाउ हिम एंड दे कैन सर्टिफाई दिस थिंग कि यस दिस विल बी फॉर द बेनिफिट ऑफ डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री। अब है थर्ड कंडीशन फॉर द ग्रांट ऑफ स्टडी लीव। फर्स्ट तो सेकंड पॉइंट में हमने कुछ जनरल कंडीशन पढ़ी थी कि स्टडी लीव तभी ग्रांट होगी इफ द कोर्स इज सर्टिफाइड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कि हाँ प्योरली एकेडमिक या प्योरली लिटरेरी कोर्स नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट में नेक्स्ट कंडीशन ये है कि अगर स्टडी लीव किसी ऐसे कोर्स के लिए ग्रांट की जा रही है जो कि आउट ऑफ इंडिया परसू करना पड़े गवर्नमेंट सर्वेंट को, तो इन दैट केस अप्रूवल शुड बी टेकन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स फॉर द रिलीज ऑफ फॉरेक्स। अगर फॉरेन एक्सचेंज को रिलीज कराना पड़ रहा है बिकॉज स्टडी लीव जो है वो आउट ऑफ इंडिया के किसी कोर्स को परस्यू करने के लिए दी जा रही है, तो किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। एंड देन अगेन जो डिपार्टमेंट है इट शुड बी सेटिस्फाइड कि हाँ जो गवर्नमेंट सर्वेंट स्टडी लीव लेके अब्रॉड पढ़ने जा रहा है ही शुड हैव दैट मिनिमम एजुकेशनल क्राइटेरिया। ऑफ कोर्स अगर वो किसी पर्टिकुलर कोर्स को परसू करने जा रहा है तो उसका मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया वो सब फुलफिल करना चाहिए, तो ये काम किसका है? ये डिपार्टमेंट का काम है टू सेटिस्फाई इटसेल्फ। नेक्स्ट सिचुएशन इज भाई अगर किसी कोर्स को करने के लिए एडिक्वेट फैसिलिटीज इंडिया के अंदर ही अवेलेबल है या फिर ऐसी किसी स्कीम के अंदर अवेलेबल है जो कि स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने चला रखी है कि इंडिया में आप वो कोर्स परसू कर सकते हो, तो भाई उस कोर्स को फॉरेन के अंदर परस्यू करने की स्टडी लीव नहीं मिलेगी। यानी फॉरेन के अंदर परस्यू करने के लिए स्टडी लीव सिर्फ तब मिलेगी अगर उसकी एडिक्वेट फैसिलिटीज इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो इंडिया में अवेलेबल नहीं है देन फॉरेन में जाके वो कर सकता है, यानी यू कैन स्टडी अब्रॉड, यू कैन टेक स्टडी लीव आउट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कंडीशन है गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए कि द गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड द पीरियड ऑफ प्रोबेशन फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड थिंग ही मस्ट हैव रेंडर्ड 5 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस। तो 5 years की कंटिन्यूस सर्विस उसको गवर्नमेंट को देनी है बिफोर अवेलिंग दिस स्टडी लीव। ये दो कंडीशन तो होनी ही चाहिए। ठीक है, ये जनरल कंडीशन हो गई। अब कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है, वो ये कि देखो अगर ये गवर्नमेंट सर्वेंट है इज अदर देन मेडिकल ऑफिसर और दिस इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज अ मेडिकल ऑफिसर अंडर सेंट्रल हेल्थ स्कीम या फिर दिस इज सेंट्रल हेल्थ सर्विस ऑफिसर एंड दिस इज नॉर्मल गवर्नमेंट सर्वेंट, इनको सपोज मैक्सिमम स्टडी लीव ग्रांट की जाती है। अभी मैक्सिमम स्टडी लीव हम आगे पढ़ेंगे भी सही। सपोज इसको 24 मंथ्स की दी गई एंड इनको मैक्सिमम 36 मंथ्स की दी जा सकती है इन केस ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स। ठीक है, स्टडी लीव ग्रांट हुई, कब ग्रांट हुई? सपोज इनको स्टडी लीव इस गवर्नमेंट सर्वेंट को 2021 के अंदर स्टडी लीव ग्रांट हुई दोनों को ही, तो भाई अगर 24 महीने की स्टडी लीव मिली है तो व्हेन विल दे रिटर्न? तो 21 में ग्रांट हुई है तो दे विल रिटर्न इन 2023 एंड ही विल रिटर्न इन 2024। 3 साल की है ये, 36 महीने की है ना। तो जो नेक्स्ट कंडीशन है यहाँ पर वो ये है कि आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्टडी लीव जो गवर्नमेंट सर्वेंट है ही कैन नॉट रिजाइन या फिर रिटायर विद इन थ्री ईयर्स। यानी नेक्स्ट 3 ईयर्स तक 2026 तक ही शुड नॉट रिटायर और ही शुड नॉट रिजाइन। तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ही मस्ट ग्रांट द स्टडी लीव आफ्टर सीइंग दिस कि भाई वापस आने के बाद उसकी जो रिटायरमेंट है वो विद इन 3 ईयर्स तो नहीं है। गवर्नमेंट सर्वेंट को उसकी रिटायरमेंट की डेट देखकर ही जो स्टडी लीव है वो दी जाए, है ना। और नेक्स्ट अगर हम मेडिकल ऑफिसर की बात कर रहे हैं जिसको कि 3 साल की स्टडी लीव मिली है, तो ही शुड सर्व आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्टडी लीव फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, 2024 के अंदर अगर वो स्टडी लीव लेकर 3 साल की स्टडी लेकर अगर उन्होंने 2024 में रिटर्न किया है वापस ऑफिस, देन 2029 तक ही शुड सर्व। अब ये हम इंश्योर कैसे करेंगे दैट दे सर्व कि भाई वो रिजाइन ना करें वापस आते ही? तो इन दैट केस उनको जो है बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो मार्क करते हैं। हमने देखा कि गवर्नमेंट सर्वेंट का पीरियड ऑफ प्रोबेशन कंप्लीट होना चाहिए और 5 ईयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। देन अगेन आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्टडी लीव ही शुड सर्व 3 ईयर्स
नॉर्मल गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में एंड 5 ईयर्स इन केस ऑफ सेंट्रल हेल्थ सर्विस ऑफिसर जिनको की पूरी 36 महीने की यानी 3 साल की स्टडी लीव दी गई है। और इसको इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट विल एग्जीक्यूट अ बॉन्ड की वो उस बॉन्ड के अंदर ही लिखा होगा, एक अंडरटेकिंग की तरीके से वो बॉन्ड होगा कि भाई वो हाँ आफ्टर रिटर्न फ्रॉम स्टडी लीव 3 साल या फिर 5 साल के लिए गवर्नमेंट को सर्व करेंगे। एंड देन सिक्स पॉइंट, एक चीज और ध्यान रखनी है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कि स्टडी लीव जो है वो ऐसी फ्रीक्वेंसी से ना दी जाए किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को जिससे कि ऑफिस का काम ही हैम्पर होने लगे, ठीक है, कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो अपना काम करना ही भूल जाए और वो स्टडी लीव पर ही बार बार जाए जा रहा है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो इतना चेक रखे कि स्टडी लीव जो है वो इतनी फ्रीक्वेंट ना मिले जिससे कि उसका रेगुलर वर्क हैम्पर हो रहा है एंड ही लूजेस कॉन्टैक्ट विद हिज रेगुलर वर्क, जिसकी वजह से ऑफिस के अंदर डिफिकल्टीज कुछ आ रही हैं। भाई हम जब स्टडी लीव करने उसको भेज रहे हैं तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में भेज रहे हैं कि गवर्नमेंट का कुछ फायदा होना चाहिए, बट बार बार भेजने से अगर गवर्नमेंट का ही नुकसान हो रहा है, वो अपना काम ही नहीं कर पा रहा ठीक से, तो देन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल हैव टू चेक द फ्रीक्वेंसी बाय थ्रू विच विद विच स्टडी लीव इज टू बी ग्रांटेड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। अब रूल नंबर 51, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी लीव, ये हम पीछे पढ़ ही चुके हैं कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज अदर देन द मेडिकल ऑफिसर, अदर देन सेंट्रल हेल्थ सर्विस ऑफिसर, इनको मैक्सिमम 24 मंथ्स की स्टडी लीव मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि ऑर्डिनरली 12 मंथ्स एट अ टाइम, बट दिस इज ऑर्डिनरली। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर आ चुका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन है कि येस दे कैन बी ग्रांटेड 24 मंथ्स ऑफ स्टडी लीव एट वन टाइम एट वन स्ट्रेच। एंड नाउ वेन द गवर्नमेंट सर्वेंट इज सेंट्रल हेल्थ सर्विस ऑफिसर, इन दैट केस ही कैन बी ग्रांटेड 36 मंथ्स ऑफ स्टडी लीव एट वन स्ट्रेच अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए स्टडी लीव ले रहे हैं। तो अगेन अगर उनको 3 साल की, ये 36 मंथ्स हो गए 3 ईयर्स, तो अगर 3 साल की उनको स्टडी लीव मिल रही है तो भाई उनको एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा कि वापस आने के बाद स्टडी लीव से रिटर्न के बाद दे विल सर्व फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, दे विल सर्व द गवर्नमेंट फॉर 5 ईयर्स। अब एक चीज और है कि दीज स्टडी लीव्स कैन बी टेकन इन मोर देन वन स्पेल्स, जरूरी नहीं है एक स्ट्रेच पर ही ले, एक स्ट्रेच पर दी जा सकती है, भाई किसी को 2 साल का कोर्स पूरा करना है एक ही बार में तो वन स्ट्रेच में दी जा सकती है स्टडी लीव, बट मोर देन वन स्पेल्स में भी दी जा सकती है। अब रूल नंबर 52 बताता है कि स्टडी लीव के लिए जो एप्लीकेशन है उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी कंपलसरी है। तो दिस इज गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि एप्लीकेशन दे रहा है स्टडी लीव के लिए। फर्स्ट थिंग, हिज एप्लीकेशन शुड बी फॉरवर्डेड थ्रू प्रॉपर चैनल टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, दिस इज द फर्स्ट थिंग। और उसकी एप्लीकेशन के अंदर क्लियरली लिखा होना चाहिए कि द कोर्स ऑफ स्टडी ही विशेज टू परस्यू, कोर्स जो है वो क्लियरली लिखा होना चाहिए। और एवर सेकेंड पॉइंट के अंदर इन्होंने एक चीज कवर की है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट के पास कोर्स की कंप्लीट डिटेल्स नहीं है, इसकी फुल डिटेल्स अभी नहीं है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, बट सून ही विल गेट दैट, तो जैसे ही इसके पास फुल डिटेल्स आती हैं वो इमीडिएटली अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बताए। दूसरी चीज, अगर वो कोर्स चेंज भी करना चाह रहा है कि एप्लीकेशन दी उसने प्रॉपर चैनल से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास और उसकी स्टडी लीव ग्रांट हो गई और नाउ ही विशेज टू चेंज हिज कोर्स ऑफ स्टडी, तो अगर ऐसा कोई वो चेंज करता है, अगर वो इनसाइड इंडिया है चाहे आउटसाइड इंडिया, चाहे उसको फॉरन के लिए स्टडी लीव दी गई है अब्रॉड पढ़ने के लिए या फिर इंडिया के अंदर ही परस्यू करने के लिए दी गई है, तो वो राइट अथॉरिटी को इमीडिएटली इन्फॉर्म करे। राइट अथॉरिटी हेड ऑफ मिशन होगा ऑफ कोर्स, अगर आउटसाइड इंडिया है तो हेड ऑफ मिशन, और इनसाइड इंडिया है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो जो भी केस है वो उसको इमीडिएटली इन्फॉर्म करे और उनके अप्रूवल का वेट करे, तो वेट फॉर अप्रूवल अगर कोर्स के अंदर कोई चेंज है या फिर फुल डिटेल उसने ऐसी कोई दी है जो कि एप्लीकेशन के अंदर नहीं दी थी, उससे एडिशनल कोई डिटेल है या फिर कोर्स के चेंज की कुछ डिटेल है, तो इन दैट केस ही शैल वेट फॉर द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और हेड ऑफ मिशन, और अपने कोर्स को कमेंस करने से पहले उनकी अप्रूवल का वेट करना होगा, ठीक है। यहां से इसको हम मार्क करेंगे, फर्स्ट थिंग कि प्रॉपर चैनल से, सेकेंड थिंग जो कोर्स ऑफ स्टडी है इट शुड बी क्लियरली स्पेसिफाइड, एंड थर्ड थिंग कि इफ ही विशेज टू मेक एनी चेंज या फिर फुल डिटेल्स, तो ही शैल सबमिट द पर्टिकुलर्स इमीडिएटली एज सून एज पॉसिबल हेड ऑफ मिशन को या फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अपना कोर्स कमेंस करने से पहले, ठीक है, तो ये अप्रूवल होना चाहिए उसके पास।
रूल नंबर 53 इज कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट स्टडी लीव अवेल करना चाह रहा है तो उसको स्टडी लीव देने से पहले यानी सैंक्शन ऑफ स्टडी लीव से पहले एक रिपोर्ट लेनी होगी ऑडिट ऑफिसर से। ये रिपोर्ट कौन लेंगे? ऑफ कोर्स द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल सीक सच रिपोर्ट फ्रॉम ऑडिट ऑफिसर। उस रिपोर्ट के अंदर क्या होगा कि भाई इस गवर्नमेंट सर्वेंट को स्टडी लीव एडमिसिबल है भी कि नहीं है। हमने पीछे पढ़ा कि गवर्नमेंट सर्वेंट अगर नॉर्मल गवर्नमेंट सर्वेंट है नॉट अ मेडिकल ऑफिसर तो इनको मैक्सिमम 24 मंथ्स की स्टडी लीव मिल सकती है। तो दिस रिपोर्ट विल बी गिवन बाय ऑडिट ऑफिसर कि यस कि 24 मंथ्स में से इसकी जो स्टडी लीव है वो अभी बची है तो स्टडी लीव इज एडमिसिबल। तो इस एडमिसिबिलिटी की रिपोर्ट जो है वो ऑडिट ऑफिसर देगा। नेक्स्ट, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ए डिपार्टमेंट में काम कर रहा है एंड टेम्परेरीली अभी वो बी डिपार्टमेंट में है, ठीक है, वो किसी और सर्विस का है बट बिकॉज ही इज ऑन डेप्यूटेशन तो वो बी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है और बी डिपार्टमेंट से वो स्टडी लीव लेके जाना चाह रहा है कहीं पर, तो बी डिपार्टमेंट उसको तब तक स्टडी लीव नहीं देगा जब तक ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट को कंकरेंस नहीं देता, ठीक है। तो विदाउट द कंकरेंस ऑफ द पेरेंट डिपार्टमेंट द बी डिपार्टमेंट कैन नॉट ग्रांट द स्टडी लीव टू गवर्नमेंट सर्वेंट। पॉइंट, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को अब्रॉड पढ़ाई करने के लिए स्टडी लीव दी जा रही है देन ऑफ कोर्स हेड ऑफ मिशन इज इन्वॉल्व्ड नाउ। तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिन्होंने इसको स्टडी लीव ग्रांट की है द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थ्रू मिनिस्ट्री हेड ऑफ मिशन को वो इंटीमेशन बताएंगे, इंटीमेशन देंगे कि यस दिस गवर्नमेंट सर्वेंट हैज बीन अलाउड टू स्टडी अब्रॉड, ठीक है। अब यहां से हम इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, रिपोर्ट फ्रॉम द ऑडिट ऑफिसर रिगार्डिंग व्हाट एडमिसिबिलिटी ऑफ स्टडी लीव, देन गवर्नमेंट सर्वेंट इज सर्विंग टेम्परेरीली इन अनदर डिपार्टमेंट तो ग्रांट ऑफ स्टडी लीव जो होगा वो कैसे होगा टू द कंडीशन कंकरेंस ऑफ द डिपार्टमेंट टू विच इज परमानेंटली अटैच्ड। देन पॉइंट नंबर 3 हमने देखा कि अगर स्टडी लीव अब्रॉड में स्टडीज करने के लिए दी जा रही है तो हेड ऑफ मिशन शैल बी इंटीमेटेड टू द मिनिस्ट्री बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अथॉरिटी ग्रांटिंग द लीव। नेक्स्ट आ जाते हैं, फोर्थ कंडीशन इज कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि परमानेंट है और एक गवर्नमेंट सर्वेंट है ही इज टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट, इनको अगर स्टडी लीव ग्रांट की जाती है या फिर स्टडी लीव इनकी एक्सटेंड की जाती है, इनकी भी स्टडी लीव अगर ग्रांट की जा रही है और या फिर स्टडी लीव एक्सटेंड की जा रही है तो ही विल एग्जीक्यूट द बॉन्ड इन फॉर्म नंबर 7 या फिर फॉर्म नंबर 8 और टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए फॉर्म्स दिए गए फॉर्म नंबर 9 एंड फॉर्म नंबर 10 में, ठीक है। इनको ये फॉर्म्स एग्जीक्यूट करने होंगे, ये बॉन्ड्स एग्जीक्यूट करने होंगे बिफोर देयर स्टडी लीव कमेंसेस या फिर उसका एक्सटेंशन जब है वो कमेंस हो रहा है। ये देखो बॉन्ड फॉर्म नंबर 7 किसके लिए मैंने बताया, परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए जो कि स्टडी लीव पर जा रहे हैं। फॉर्म नंबर 8 किसके लिए है, परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट जिनकी की स्टडी लीव एक्सटेंड की जा रही है। सिमिलरली फॉर्म नंबर 9 उन गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए जो परमानेंट एम्प्लॉय में नहीं है बट दे आर गोइंग ऑन स्टडी लीव, और फॉर्म नंबर 10 वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि परमानेंट एम्प्लॉय में नहीं है उनकी स्टडी लीव एक्सटेंड की जा रही है। यानी इनिशियली वो ये बॉन्ड एग्जीक्यूट करेंगे और अगर स्टडी लीव एक्सटेंड होती है तो ये बॉन्ड, ये दोनों किसके लिए है, परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए फॉर्म नंबर 7 एंड फॉर्म नंबर 8, बोथ दीज फॉर्म्स आर फॉर टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट हु आर नॉट इन परमानेंट एम्प्लॉय, तो उनके लिए फॉर्म नंबर 9 अगर स्टडी लीव पे जा रहे हैं और फॉर्म नंबर 10 अगर स्टडी लीव एक्सटेंड की जा रही है तो। एंड व्हेन दीज गवर्नमेंट ऑफिसर एग्जीक्यूट दीज बॉन्ड्स कि फॉर्म 7 या 8 या 9 या 10 में से अगर उन्होंने बॉन्ड एग्जीक्यूट अगर किया है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो एक सर्टिफिकेट देंगी ऑडिट ऑफिसर को, यानी ये रिपोर्ट ऑडिट ऑफिसर के पास जाएगी यस दीज गवर्नमेंट सर्वेंट हैव एग्जीक्यूटेड द रिक्वायर्ड बॉन्ड। नेक्स्ट रूल नंबर 5, जब गवर्नमेंट सर्वेंट का कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाए तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है कोई भी उसके जो सर्टिफिकेट्स उसने ऑब्टेन किए हैं जो भी उन्हें एग्जामिनेशन पास की है इन सब के जो सर्टिफिकेट्स हैं ही विल सबमिट टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और अगर यही गवर्नमेंट सर्वेंट अब्रॉड जो है वो कोर्स परस्यू कर रहा था तो जो सर्टिफिकेट्स हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तक हेड ऑफ मिशन के थ्रू जाएंगे, ठीक है। एंड देन ऑल्सो वो सर्टिफिकेट्स और एग्जामिनेशन के अंदर ये क्लियरली लिखा होना चाहिए कि डेट ऑफ कमेंसमेंट और डेट ऑफ कंक्लूजन, कि स्टार्ट कब हुआ
कोर्स और कोर्स जो है वो खत्म कब हुआ। ठीक, इसको हम यहां से मार्क कर लेते हैं। ऑन कंप्लीशन द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल सबमिट सर्टिफिकेट ऑफ एग्जामिनेशन पास्ट, और उसके अंदर लिखा होना चाहिए इंडिकेटिंग द डेट ऑफ कमेंसमेंट, कोर्स स्टार्ट कब हुआ और कोर्स टर्मिनेट कब हुआ है। एंड इन केस आउटसाइड इंडिया की बात कर रहे हैं तो ये सर्टिफिकेट जो है वो हेड ऑफ मिशन के थ्रू सबमिट किए जाने चाहिए। अब है स्टडी लीव की अकाउंटिंग रूल नंबर 54 के अंदर, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है कि लीव अकाउंट में से स्टडी लीव जो है वो डेबिट नहीं होती है। स्टडी लीव इज नॉट डेबिटेड फ्रॉम द लीव अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। सेकेंड पॉइंट, स्टडी लीव कैन बी कंबाइंड विद एनी लीव, ईएल, एचपीएल, ईओएल, किसी के साथ भी स्टडी लीव को कंबाइन किया जा सकता है, लेकिन स्टडी लीव को ईओएल को छोड़ के अगर दूसरी लीव के साथ कंबाइन किया जा रहा है, हम यहाँ पे ईओएल के साथ अभी कंबाइन नहीं कर रहे हैं इसे, ठीक है। ऐसे ईओएल के साथ कंबाइन किया जा सकता है, बट द रूल इज अबाउट कि ईओएल के साथ नहीं उसको जब कंबाइन हम कर रहे हैं, तो इन दैट केस हमें पता है कि मैक्सिमम 24 मंथ्स के लिए ये मिल रही है, ठीक है। तो भाई ये जो टोटल पीरियड ऑफ एब्सेंस है, ये टोटल पीरियड ऑफ एब्सेंस 28 मंथ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, या फिर 36 मंथ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए अगर पीएचडी परस्यू की जा रही है तो। यानी अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को पीएचडी करने के लिए स्टडी लीव दी जा रही है तो टोटल पीरियड ऑफ एब्सेंस जो है वो 3 साल से ज्यादा नहीं होगा, और अगर नॉर्मल किसी दूसरे कोर्स पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर किसी दूसरे कोर्स के लिए स्टडी लीव दी जा रही है तो 28 मंथ से ज्यादा का टोटल एब्सेंस नहीं होगा इंक्लूडिंग स्टडी लीव, ठीक है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट ये बता रहे हैं कि अगर सपोज किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने इसी कॉम्बिनेशन में स्टडी लीव ली है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोर्स ऑफ स्टडी जो है वो स्टडी लीव के अंदर, यानी स्टडी लीव का जो ड्यूरेशन है उसी के अंदर वो स्टार्ट करे, वो कोर्स ऑफ जो स्टडी है वो यहाँ पर भी स्टार्ट कर सकता है। सपोज उसने इस तरीके से कंबाइन किया है ईएल प्लस स्टडी लीव एंड देन एचपीएल, तो कोर्स ऑफ स्टडी जो है वो ईएल के दौरान भी अपना कमेंस वो कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टडी लीव उसकी इस डेट से इस डेट तक किया तो उसी डेट के अंदर कोर्स जो है वो कमेंस होना चाहिए, फाइन। तो वो किसी दूसरे जो लीव्स हैं उनके ड्यूरेशन के अंदर भी अपना कोर्स जो है वो स्टार्ट कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सपोज यहाँ पे हम कुछ डेट्स लिख लेते हैं, सपोज 26 मई 2023 से उसने ईएल शुरू करी, एक महीने की ईएल ली, तो 26 जून 2023 तक ईएल है, एंड देन जून 23 से दिसंबर 23 तक स्टडी लीव है, और उसके आगे कुछ एचपीएल है, तो उसका कोर्स जो है वो सपोज यहाँ पर 31 मई से शुरू हो सकता है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि जो ईएल है वो स्टडी लीव काउंट होगी, फिर ईएल को स्टडी लीव नहीं माना जाएगा, ईएल को तो ईएल ही माना जाएगा तब भी। रूल नंबर 55 के अंदर है कि अगर सपोज कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, सपोज इस गवर्नमेंट सर्वेंट ने 12 मंथ्स की स्टडी लीव पहले अवेल कर ली थी, ही इज नॉट अ मेडिकल ऑफिसर, तो मैक्सिमम स्टडी लीव इसके केस में कितनी होगी, 24 मंथ्स एट अ स्ट्रेच, या फिर इन डिफरेंट स्टेज ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस 24 मंथ्स की स्टडी लीव ये दे सकता है। इसमें से 12 महीने की तो इसने अवेल कर ली पहले ही। नाउ ही विशेज टू परस्यू द कोर्स जो कि 18 मंथ्स का है, 18 मंथ्स के लिए ही वॉन्ट्स टू परस्यू सम कोर्स, तो 18 में से 12 मंथ्स की तो स्टडी लीव मिल जाएगी, बाकी के 6 महीने सपोज वो अपनी दूसरी लीव एग्जॉस्ट करता है, ईएल लेता है या फिर ईओएल ले रहा है या एचपीएल ले रहा है, कुछ भी ले रहा है, तो स्टडी लीव कैन बी ग्रांटेड इस एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, यानी 18 मंथ्स के लिए उसको लीव दी जा सकती है, बट अप्रूवल लेना पड़ेगा कि यस उसके अंदर 12 मंथ स्टडी लीव है एंड बाकी के 6 मंथ्स की ऑर्डिनरी लीव है, तो उसको इस ऑर्डिनरी लीव के अप्रूवल का भी वेट करना होगा कि ये जो शॉर्टफॉल हो रहा है 18 मंथ्स में से 12 मंथ्स के अलावा जो 6 मंथ्स का शॉर्टफॉल है, इस शॉर्टफॉल को वो ऑर्डिनरी लीव से कवर कर रहा है, इस चीज का अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसको यहां से हम करते हैं मार्क, कोर्स ऑफ स्टडी फॉल शॉर्ट ऑफ स्टडी लीव, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट के पास स्टडी लीव जो है वो कम पड़ रही है तो ही कैन रिज्यूम ड्यूटी अपना कोर्स ऑफ स्टडी कंप्लीट करके, लेकिन उसके लिए उसको सैंक्शन लेना पड़ेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का कि जो लीव है ऑर्डिनरी लीव के लिए, ऑर्डिनरी लीव जो कि उसने शॉर्टफॉल को कंप्लीट करने के लिए ली है, ये सब उसकी अप्रूव्ड होनी चाहिए।
लीव सैलरी ड्यूरिंग स्टडी लीव, गवर्नमेंट सर्वेंट को स्टडी लीव पे जाने से जस्ट पहले जो पे मिल रही होगी, यानी पे इन पे लेवल प्लस एचआरए प्लस डीए, ये रहेगी उसकी लीव सैलरी वेदर ही इज परसुइंग द कोर्स विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ये दोनों रूल्स ये कहते हैं। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि ये लीव सैलरी लेने के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट को एक सर्टिफिकेट देना होगा कि उसको कोई स्कॉलरशिप या फिर कोई रेम्यूनरेशन ड्यूरिंग द स्टडी लीव नहीं मिल रही है। अगर कोई स्कॉलरशिप या फिर रेम्यूनरेशन मिल रही है तो क्या होगा, ऑफकोर्स वो लीव सैलरी में से डिडक्ट हो जाएगा। लीव सैलरी विल बी डिडक्टेड अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ही इज रिसीविंग ए स्कॉलरशिप या फिर जो भी रेम्यूनरेशन उसको मिल रहा है। एनी हाउ लीव सैलरी में से जो भी स्कॉलरशिप या फिर रेम्यूनरेशन डिक्रीज होगा यानी माइनस होगा, स्टिल एचपीएल जितनी लीव सैलरी उसको मिलेगी ही मिलेगी, यानी एचपीएल से कम नहीं हो सकती। ठीक है, तो दिस सैलरी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एचपीएल। ठीक है, इसको हम यहां से देखते हैं कि अगर उसको कोई भी अमाउंट मिल रहा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टडी लीव, चाहे स्कॉलरशिप चाहे स्टाइपेंड या फिर रेम्यूनरेशन, तो इट शुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट लीव सैलरी, बट लीव सैलरी शैल नॉट बी रिड्यूस टू एन अमाउंट लेस देन पेबल एज लीव सैलरी ड्यूरिंग हाफ पे लीव। यानी हाफ पे लीव पे जितनी लीव सैलरी मिल रही है उतनी तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, उससे कम नहीं हो सकती। इसके बाद देखो 57, 58, 59 रूल्स जो हैं दे आर ओमिटेड। हम आ जाते हैं रूल नंबर 60 पर। नेक्स्ट है स्टडी लीव के अंदर कौन कौन से अलाउंसेस जो है वो एडमिसिबल रहते हैं। तो हमने पीछे देखा कि एचआरए यानी लीव सैलरी का कौन कौन से जो अलाउंसेस है वो पार्ट है लीव सैलरी के अंदर। तो पे इन पे लेवल के अलावा हमने पीछे देखा कि भाई एचआरए और डियरनेस अलाउंस, ये दोनों जो है वो अलाउड है एज अलाउंसेस। हाउएवर ये गवर्नमेंट सर्वेंट को जिसको कि स्टडी लीव दी गई है 180 डेज के लिए ही विल बी एंटाइटल्ड फॉर एचआरए, और अगर 180 डेज के बियॉन्ड उसको एचआरए लेना है देन ही विल हैव टू फर्निश अ सर्टिफिकेट। और ये जो सर्टिफिकेट है दिस हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन पैरा 8D ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ओएम नंबर दिस 27 नवंबर 1965। यहाँ पर ये सर्टिफिकेट है, अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट इस सर्टिफिकेट को भर के देता है तो देन ही कैन क्लेम एचआरए बियॉन्ड 180 डेज व्हेन ही इज ऑन स्टडी लीव। अगेन पॉइंट नंबर टू देखेंगे, एचआरए के अलावा और डीए के अलावा नो अदर अलाउंस शैल बी पेड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। अब नेक्स्ट है टीए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दिस गवर्नमेंट सर्वेंट ही वेंट ऑन स्टडी लीव, तो टीए मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो यस इन एक्सेप्शनल केसेस, नो इन ऑर्डिनरी केसेस। बट अगर एक्सेप्शनल केस है तो ऑफकोर्स ये टीए जो है वो सैंक्शन कौन करेगा? तो इन नॉर्मल केसेस दिस विल बी सैंक्शन बाय प्रेसिडेंट, लेकिन अगर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो बिलोंग करता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में, तो इन दैट केस इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ही विल सैंक्शन द टीए टू दैट गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज बीन ग्रांटेड स्टडी लीव। इसको यहां से मार्क कर सकते हो। ऑर्डिनरीली ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो नहीं मिलेगा, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में प्रेसिडेंट में सैंक्शन, बट इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट की बात हो रही है तो इन दैट केस सीएजी कैन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर उसको वो सैंक्शन कर सकते हैं टीए। रूल नंबर 62 बताता है कि जो स्टडी लीव जिस कोर्स के लिए दी गई है उस कोर्स की फीस के लिए क्या प्रोविजन है। तो देखो सिमिलर है बिल्कुल टीए की तरह, यहां पर टीए के बदले मैं लिख देती हूँ कॉस्ट ऑफ फीस। तो भाई ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस के अंदर, ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस के अंदर नहीं, कॉस्ट ऑफ फीस जो है वो नहीं सैंक्शन होगी, बट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस इट कैन बी सैंक्शन, बट विद द सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन केस ऑफ एनी गवर्नमेंट सर्वेंट अदर देन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, क्योंकि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनके लिए ये सैंक्शन जो है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के थ्रू मिलेगी। ठीक है, बस इसके अंदर एक फर्क है, ये हमने देख लिया। देखो गवर्नमेंट सर्वेंट
टू हुम स्टडी लीव हैज़ बीन ग्रांटेड शैल ऑर्डिनरीली बी रिक्वायर टू मीट द कॉस्ट ऑफ फीस, यानी कि वो खुद से पे करेगा कॉस्ट ऑफ फीस, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस के अंदर प्रेजिडेंट में सैंक्शन। सिमिलरली जब गवर्नमेंट सर्वेंट इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट से है तो इन दैट केस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल में इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस सैंक्शन। बस यहाँ पर एक डिफरेंस है जो कि है ये, प्रोवाइडेड दैट अगर ये गवर्नमेंट सर्वेंट को स्टाइपेंड मिल रहा है, स्कॉलरशिप है कोई, या फिर किसी भी तरीके की रेम्यूनरेशन मिल रही है। रेम्यूनरेशन किस तरह की हो सकती है कि वो उसने पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट किया है अगर, ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को इस तरीके की कोई सी भी किसी भी तरह से रेम्यूनरेशन मिल रही है स्टाइपेंड स्कॉलरशिप या फिर पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट से, तो इन दिस केस इनको कॉस्ट ऑफ फीस का सैंक्शन नहीं मिल सकता है। इस केस में कॉस्ट ऑफ फीस का सैंक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। रूल नंबर 63 कि कोई बंदा स्टडी लीव पे गया है किसी कोर्स को करने के लिए, बट कोर्स ऑफ स्टडी को कंप्लीट करने से पहले ही या तो उसने रिजाइन कर दिया या फिर उसका रिटायरमेंट हो गया। अभी वैसे तो हमने पीछे पढ़ा था कि रिटायरमेंट के लिए क्या रूल है, कि स्टडी लीव उसी हिसाब से देनी चाहिए कि स्टडी लीव से आने के बाद वो कम से कम 3 साल या फिर कम से कम 5 साल गवर्नमेंट को सर्व करे। 3 और 5 ईयर्स, 5 ईयर्स इन केस ऑफ मेडिकल ऑफिसर जो सेंट्रल हेल्थ गवर्नमेंट ऑफिसर्स, और 3 ईयर्स इन द केस ऑफ अदर गवर्नमेंट सर्वेंट्स। बट वॉलंटरी रिटायरमेंट तो ले सकता है ना वो। तो स्टडी लीव पर जाने के बाद कोर्स को बिना कंप्लीट करे अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइन या फिर रिटायर करता है, तो इन दैट केस क्या कौन से रूल्स गवर्न होंगे वो देखते हैं। दिस इज द गवर्नमेंट सर्वेंट, इन्होंने स्टडी लीव अवेल की और मीन वाइल इन्होंने रिजाइन कर दिया विद इन द स्टडी लीव या फिर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 to 5 ईयर्स फ्रॉम रिटर्न ऑफ स्टडी लीव, ठीक है। 3 ईयर्स इन केस ऑफ नॉर्मल गवर्नमेंट सर्वेंट, 5 ईयर्स इन केस ऑफ सेंट्रल हेल्थ सर्विस ऑफिसर्स, मेडिकल ऑफिसर्स, ठीक है। तो या तो स्टडी लीव के बीच में इन्होंने रिजाइन कर दिया या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया या फिर एनी हाउ क्विट कर दी सर्विस, या फिर 3 से 5 साल गवर्नमेंट को सर्व नहीं किया स्टडी लीव से आके, या फिर एक कंडीशन और हो सकती है कि स्टडी लीव पर गए इन्होंने रिजाइन विजाइन कुछ नहीं करा, लेकिन जिस कोर्स के लिए इन्होंने स्टडी लीव ली थी वो कोर्स ही कंप्लीट नहीं किया। पीछे हमने पढ़ा था कि कोर्स कंप्लीट करके एक कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी देना है कि आपने कौन से एग्जामिनेशन पास करे, तो ये वो सर्टिफिकेट्स नहीं दे पाए। तो अगर ये कंडीशन किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ है, इन दैट केस दैट गवर्नमेंट सर्वेंट विल बी रिक्वायर्ड टू रिफंड, उनको रिफंड करनी होगा क्या क्या चीजें, लीव सैलरी सबसे पहली चीज, अगर उनको टीए मिला है तो टीए, अगर उनको कॉस्ट ऑफ फीस रिम्बर्स की गई थी तो वो कॉस्ट ऑफ फीस, या फिर कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो गवर्नमेंट ने उनको दिया हो ड्यूरिंग दिस स्टडी लीव, तो कोई भी गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंस किया हो ड्यूरिंग स्टडी लीव वो सारा उसको रिफंड करना होगा। इसके अलावा अगर वो कहीं आउट ऑफ इंडिया भी पढ़ने गया, अब्रॉड भी पढ़ने गया, इन दैट केस अगर एजेंसी, किसी भी एजेंसी ने उनको कोई स्कॉलरशिप दिया या फिर कोई भी फीस किसी भी तरीके की कॉस्ट उनको मिली वो भी रिफंड करनी होगी, एंड ऑल दिस इज विद इंटरेस्ट, ये सब उनको रिफंड करना होगा, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं रूल के अंदर कहां पर इसको मार्क करना है। इसको देखते हैं यहां से फर्स्ट पॉइंट से, गवर्नमेंट सर्वेंट ही रिजाइन्स रिटायर्स या अदरवाइज क्विट द सर्विस विदाउट रिटर्निंग टू ड्यूटी, यानी स्टडी लीव के बाद वो ड्यूटी पर वापस ही नहीं आए, या फिर विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स और 5 ईयर्स, 5 ईयर्स किन केस में, जिन मेडिकल ऑफिसर्स को पूरे 3 साल की स्टडी लीव दी गई थी, ठीक है। दूसरी चीज, इफ ही फेल्स टू कंप्लीट द कोर्स और इज अनेबल टू फर्निश द सर्टिफिकेट, जिसकी बात हमने पीछे की थी रूल नंबर 53 में, देन ही शैल बी रिक्वायर्ड टू रिफंड वट एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीव सैलरी, कॉस्ट ऑफ फीस, टीए, या फिर एनी एक्सपेंस विच इज इंकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा एनी कॉस्ट इंकर्ड बाय एनी अदर एजेंसी, फॉरेन गवर्नमेंट, फाउंडेशन, ट्रस्ट, जो कि कोर्स ऑफ स्टडी के दौरान उनके ऊपर खर्च किया गया कोई भी ट्रेनिंग की वजह से या फिर किसी भी ऐसे रीजन की वजह से, अगर किसी फॉरेन गवर्नमेंट, फाउंडेशन या ट्रस्ट ने उस गवर्नमेंट सर्वेंट पर जो भी खर्चा करा होगा, दैट ही हैज टू रिफंड इन एक्चुअल अमाउंट विद इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का जो रेट है वो क्या लगेगा, देयर ऑन एट रेट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स ऑन द गवर्नमेंट लोन,
उस टाइम पर जिस टाइम पर उसको रिफंड करना है उस टाइम पर गवर्नमेंट लोन लेने पर जो इंटरेस्ट चल रहा है उसी रेट पर वो इंटरेस्ट उसको चार्ज होगा। और ये सब कब उसको रिफंड करना है? बिफोर हिज रेजिग्नेशन इज एक्सेप्टेड, या फिर उसको रिटायर होने की परमिशन दी जाए, या फिर वो किसी भी तरीके से अगर सर्विस को छोड़ना चाह रहा है तो बिफोर ऑल दिस ही हैज टू रिफंड अपने अकाउंट्स उसको क्लियर करने हैं, तभी उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होगा या परमिशन मिलेगी रिटायर करने की। दिस गवर्नमेंट सर्वेंट अवेल्ड स्टडी लीव, ही रिटर्न टू ड्यूटी कोर्स कंप्लीट करके, बट नाउ ही विशेज टू वॉलंटरीली रिटायर बिफोर कंप्लीशन ऑफ दोज 3 और 5 ईयर्स ऑफ सर्विस, तो ही कैन बी परमिटेड टू वॉलंटरी रिटायर ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। अगर मेडिकल ग्राउंड है तो उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट की परमिशन दी जा सकती है। ठीक है, तो ये केस किसका हुआ? सिर्फ वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए, यहाँ पर रेजिग्नेशन की कोई बात नहीं की है इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट हु आफ्टर रिटर्न टू ड्यूटी फ्रॉम स्टडी लीव इज परमिटेड टू रिटायर ऑन मेडिकल ग्राउंड, सिर्फ मेडिकल ग्राउंड पर अगर वो रिटायरमेंट वॉलंटरी रिटायर होना चाहता है तो इन दैट केस ही कैन बी अलाउड। नेक्स्ट है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट सपोज ए ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा था, ये वे स्टडी लीव हियर, उसके बाद अपना कोर्स कंप्लीट करके ही रिटर्न टू ड्यूटी आफ्टर ड्यूटी आफ्टर रिटर्निंग टू ड्यूटी 3 से 5 साल के अंदर, जो भी 3 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स जो भी केस उसके ऊपर लगता है, उससे पहले ही वेंट ऑन डेप्यूटेशन टू सम अदर ऑर्गेनाइजेशन बी विच इज ऑल्सो स्टैचुटरी ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑटोनॉमस या फिर ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो ऑफकोर्स अगर वो डेप्यूटेशन पे किसी भी डिपार्टमेंट में जाएगा तो ए डिपार्टमेंट की परमिशन से ही जाएगा ऑफकोर्स। ठीक है, अब बी डिपार्टमेंट में वो डेप्यूटेशन पे गया एंड नाउ जहां पर वो डेप्यूटेशन पे गया है वहां पर उसको एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है कि वहीं पर उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, तो ऑफकोर्स विद द परमिशन ऑफ ए ही उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, तो देन ही मे बी परमिटेड टू गेट एब्जॉर्ब इन दिस डिपार्टमेंट। और यहाँ पर एब्जॉर्ब होने के लिए उसको ये डिपार्टमेंट छोड़ना पड़ेगा, यानी यहाँ से उसको रिजाइन करना पड़ेगा, तो इन दिस केस ओनली उसका रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट किया जा सकता है इन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि अपनी मर्जी से तो रिजाइन नहीं करेगा। पहली बात तो वो बी पर जब डेप्यूटेशन गया तब भी परमिशन से गया, वहां पर एब्जॉर्प्शन है तब भी परमिशन से ही एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन उसे रिजाइन करना पड़ रहा है, तो उसका रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट किया जा सकता है इन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, इसको यहां से मार्क कर सकते हो, गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर रिटर्निंग टू ड्यूटी फ्रॉम स्टडी लीव ही इज डेप्यूटेड टू सर्व एनी स्टैचुटरी ऑटोनॉमस या एज एन इंस्टीट्यूशन विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, देन ही इज सब्सिक्वेंटली परमिटेड टू रिजाइन सो दैट ही कैन बी एब्जॉर्ब इन दैट स्टैचुटरी ऑटोनॉमस बॉडी बट इन पब्लिक इंटरेस्ट। नेक्स्ट रूल है, फर्स्ट पॉइंट में था कि जितना भी उसके ऊपर खर्चा हुआ है वो सारा खर्चा जो है वो रिफंड होगा। सेकेंड पॉइंट के अंदर है कि जो स्टडी लीव उसने अवेल किया है, अब क्योंकि कोर्स तो कंप्लीट किया नहीं तो इसलिए द लीव कैन नॉट बी कॉल्ड एज स्टडी लीव ऑफ कोर्स, तो ये स्टडी लीव को उसकी रेगुलर लीव के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा जो भी उसके पास एडमिसिबल होगी, ईएल सपोज एचपीएल या फिर ईओएल, इस तरीके से उसकी पूरी स्टडी लीव को कवर किया जाएगा रेगुलर लीव से। और अगर कोई भी लीव एडमिसिबल नहीं बची उसके पास तो ऑफकोर्स उसको ईओएल दी जाएगी। अब इस एडजस्टमेंट के अंदर भी अगर कोई लीव सैलरी की रिकवरी बनती है तो वो रिकवरी भी होगी। ठीक है, इन एडिशन टू द अमाउंट रिफंडेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट, जो कि हमने पीछे रूल सब रूल वन के अंदर देखा, ही शैल बी रिक्वायर्ड टू रिफंड अगर कोई एक्सेस ऑफ लीव सैलरी उसने ड्रॉ कर ली है आफ्टर कन्वर्जन, अगर ये पता चलता है कि भैया इतनी लीव सैलरी भी उसको नहीं मिलनी है, तो ईओएल या फिर एचपीएल के कन्वर्जन की वजह से जो लीव सैलरी उसको मिल भी रही थी वो लीव सैलरी भी उसको रिफंड करनी पड़ेगी। बट इसका पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, अब एक एक्सेप्शन है अगेन वही ऑन द मेरिट ऑफ द केसेस, अगर लगता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट पर अनड्यू हार्डशिप हो रही है उस अमाउंट को रिफंड करने की वजह से, या फिर कोई ऐसे पिकुलर सर्कमस्टांसेस है जिसकी वजह से वो अमाउंट जो है वो रिफंड नहीं कर पा रहा, या फिर इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो प्रेसिडेंट जो है वो इस चीज के अंदर रिलैक्स कर सकते हैं कि जो अमाउंट उनको रिफंड करना है सपोज उसकी 1 लाख की रिकवरी बनती है। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट है वो इस अमाउंट को या तो कंप्लीटली वेव ऑफ भी कर सकते हैं या फिर इस अमाउंट को वो रिड्यूस भी कर सकते हैं, रिड्यूस और वेव ऑफ। तो ये ऑफकोर्स केस टू केस बेसिस पर डिपेंड होगा और उस केस टू केस बेसिस पर क्या देखा जाएगा, या तो पब्लिक इंटरेस्ट या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ अगर कोई स्पेशल कोई सर्कमस्टांसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है तो, और किसके अप्रूवल से इसको वेव ऑफ किया जा सकता है, ओनली विद अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, ओनली प्रेसिडेंट में इफ नेसेसरी और एक्सपीडियंट टू डू सो में वेव और रिड्यूस द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी रिफंडेड।
ठीक है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 6 जो है वो खत्म हो रहा है, चैप्टर नंबर 7 पे आ जाते हैं जिसके अंदर कुछ मिसलेनियस रूल्स दिए हुए हैं। चैप्टर नंबर 7 मिसलेनियस, इसके अंदर सिर्फ तीन रूल्स हैं। पहला है रूल नंबर 64 जिसके अंदर है कि अगर कोई भी ऐसा डाउट क्रिएट होता है इन रूल्स के इंटरप्रिटेशन को लेके कि इसका मतलब क्या है, जो लिखा है उसका मीनिंग क्या है, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, तो द केस मस्ट बी रेफर्ड फॉर क्लैरिफिकेशन टू डीओपीटी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस फॉर डिसीजन। नेक्स्ट है पावर टू रिलैक्स। अगर किसी पर्टिकुलर केस के अंदर ऐसा लगता है कि इस गवर्नमेंट सर्वेंट को अनड्यू हार्डशिप झेलनी पड़ रही है, या फिर उसका कोई पर्टिकुलर केस है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है इस गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ, और मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को अगर ऐसा लगता है कि किसी एक रूल के अंदर रिलैक्स होना चाहिए बट सिर्फ इस केस के अंदर, ठीक है, तो वो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट उन रीजंस को वो रिकॉर्ड करेंगे कि किस वजह से उन्हें लग रहा है कि केस जो है इट इज डिजर्विंग फॉर रिलैक्सेशन। दे कैन रिलैक्स, दे कैन डिस्पेंस विद द रूल और रिलैक्स ऑन केस टू केस बेसिस, लेकिन वो रिलैक्सेशन किसकी कंकरेंसी होगी, ऑफकोर्स डीओपीटी की कंकरेंसी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस या पेंशन, ठीक है, उनकी कंकरेंस के बिना कोई भी रूल इस लीव रूल्स का रिलैक्स नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट रूल है आपका लास्ट रूल, रिपील एंड सेविंग। जिस टाइम पर ये रूल कमेंस हुए उसी टाइम पर इससे पहले जो रूल्स गवर्न कर रहे थे लीव को, दे हैव सीज टू ऑपरेट। एंड इसके अलावा वन मोर थिंग, लास्ट पॉइंट, कि ओल्ड रूल के अकॉर्डिंग, इन रूल के कमेंसमेंट से पहले ओल्ड रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी को कोई लीव दे दी गई है, कोई ग्रांट कर दी गई है, कोई सैंक्शन दे दी गई है, किसी ने कोई लीव अप्रूव कर लिया है, तो वो एज इट इज मानी जाएगी इन्हीं रूल्स के अंडर, ठीक है, यानी कि उसको चेंज नहीं किया जाएगा आप, क्योंकि नए रूल्स जिस दिन से लागू हो रहे हैं उससे पहले जिसको जो लीव मिल गई, जो अर्न हो गई, जो भी ग्रांट हो गया, वो सब एज इट इज रहेगा। और नाउ दे हैव सीज टू ऑपरेट, आगे के जो भी केसेस होंगे वो इन रूल्स के कमेंसमेंट के बाद इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग डील होंगे। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द लीव रूल्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।